आदरणीय निर्णायक मंडल और मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपके समक्ष एक हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये कविता मेरे दिल को बहुत छूती है क्योंकि अपनी पाठशाला में मैंने 3 साल तक इसमें प्रथम स्थान पाया है, तो इसलिए आज मुझे एक मौका मिला है इसे आपके सामने प्रस्तुत करने का। मेरी कविता का शीर्षक है भारतीय रेल यात्रा। उसके रचयिता हैं श्री कवि चौबे। हास्य के माध्यम से कवि ने इस कविता में भारतीय रेल यात्रा का सुखद अनुभव बताया है और अंत में एक मूल संदेश भी दिया है। तो क्या आप सब मेरे साथ भारतीय रेल यात्रा के लिए तैयार हैं? Yes. भारतीय रेल की जनरल बोगी, पता नहीं आप सब ने बोगी ना बोगी, एक बार हमें करनी पड़ी यात्रा। स्टेशन पर देख सवारियों की मात्रा, हमारे तो पसीने छूटने लगे, हम झोला उठाकर घर की ओर कूदने लगे। तभी एक कुली आया, मुस्कुराकर बोला, बाबूजी अंदर जाओगे? हमने कहा, तुम पहुंचाओगे? बोला, बड़े बड़े पार्सल पहुंचाएं, आपको भी पहुंचा दूंगा, मगर रुपए 1000 दूंगा। हमने कहा, 1000 रुपए? बोला, भैया भीड़ देख रहे हैं, आपको कंधे पर उठाना पड़ेगा, धक्का देकर खिड़की के रास्ते अंदर घुसाना पड़ेगा, मंजूर हो तो बताओ। हमने कहा, देखा जाएगा, तुम उठाओ। कुली ने बजरंग बली का नारा लगाया और पूरी कोशिश से हमें उठाया कि खुद ही बैठ गया। दूसरी बार कोशिश की तो लेट गया। बोला, बाबूजी हम आपको क्या उठाएंगे, आपको उठाते उठाते तो हम ही स्वर्गवासी हो जाएंगे। तभी गाड़ी ने सीटी दी, हम झोला उठाकर धाए, बड़ी मुश्किल से डब्बे के अंदर घुस पाए। डब्बे का दृश्य और भी घमासान था, पूरा का पूरा डब्बा आग हिंदुस्तान था। लोग बैठे थे, खड़े थे, लेटे थे और जिन्हें जगह ना मिली थी वो बर्थ के नीचे पड़े थे। एक गंजे से यात्री से हमने कहा, भाई साहब थोड़ी जगह हमारे लिए बनाइए। उस सर झुका के बोले, आइए हमारी खोपड़ी पर बैठ जाइए, आप ही के लिए साफ कराएंगे, 100 रुपए देना, मगर फिसल गए तो ना कहना। एक सज्जन व्यक्ति बैठे थे आंखें मूंद, उनके सर पर अचानक पड़ी पानी की गरम गरम बूंदे, वो सब उठाकर चिल्लाए, कौन है जो पानी गिराकर मौन है? ऊपर से एक महिला बोली, क्षमा कीजिए भाई साहब, पानी नहीं, हमारा 6 महीने का लड़का है, जरा इसे क्षमा कर दीजिए और अपना मुंह भी नीचे कर लीजिए, बच्चे का क्या भरोसा अगली बार उसने आपको क्या भरोसा। तभी गाड़ी जोर से हिली, कोई चिल्लाया, चलिए चलिए। दूसरा बोला, या अली। तीसरा बोला, जय बजरंग बली। हमने कहा, काहे की अली और काहे की बली, गाड़ी तो बगल वाली चली और तुम्हें अपनी चलती नजर आ रही है। दोस्तों, दरअसल ये रेलगाड़ी नहीं, हमारी जिंदगी है और इस जिंदगी में धोखे के अलावा होता ही क्या है, धोखे के अलावा होता ही क्या है। धन्यवाद।